सो बहुत लोगों की दिक्कत आती है एक परफेक्ट वीडियो बनाने में कि किस तरीके से अपने मैसेज को कैसे पुट आउट करें। मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ इसको कैसे पुट आउट करें कैमरे के ऊपर, जिससे सामने वाला व्यूअर जो उस वीडियो को देख रहा है उस टाइम पे वो पर्टिकुलरली उसी मैसेज को गेट करे जो तुम लोग उसको बताना चाहते हो। सो ये सब हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। किसी को लग रहा है कि मैं कैमरे पर कैसे बोलते हैं बताने वाला हूँ, तो नहीं, उसके लिए तुम लोग आई बटन के ऊपर एक वीडियो है जाकर के देख सकते हो, पर मैं इस वीडियो के लास्ट में आई बटन के ऊपर ऐड करूँगा, तब तक हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको। सो अभी क्या होता है ना कि हम लोग वीडियोस बनाते हैं, हमें पता है कैमरा प्रेजेंट कैसे करता है, आते एक बार में खड़े होते बोल के चले जाते, बट वो वीडियो बहुत ज़्यादा अधूरी लगती है, पता ही नहीं रहता यार क्या बोल दिया, सामने वाला व्यूअर बहुत ज़्यादा परेशान होता है। सो मैंने भी ये सारी चीज़ें फिगर आउट की विद टाइम, किस तरीके से सारी चीज़ें करनी है। अब मैं आप लोगों को एक परफेक्ट सीक्रेट देने वाला हूँ कि हाँ इस तरीके से करना है, इस तरीके से कैमरे के सामने आना है, इस तरीके से पूरी चीज़ें गो थ्रू करनी है। सो चलो ना शुरू करते हैं। सो है गाइस, माय नेम इज़ रोहित जारेड़ा, फाउंडर सीईओ monklearning.com, जहाँ पे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड फ्री कोर्सेज एंड साथ में कुछ पेड कोर्सेज भी करवाते हैं, तो आप लोग विजिट कर सकते हो उसको। अभी उसके ऊपर फ्री कोर्सेज अवेलेबल है, फ्यूचर में हम लोग बहुत सारे कोर्सेज उसके ऊपर ऐड करने वाले हैं। सो सबसे पहला पॉइंट आता है बी प्रेजेंटेबल ऑन द कैमरा, प्रेजेंट करो अपने आप को अच्छे से कैमरा के ऊपर। फॉर एन एग्जांपल, पहले मैं शूट करता था, उठ करके कैमरा ऑन किया, DSLR और आ गए सामने और बोलना शुरू कर दिया, बट नहीं, एटलीस्ट ठीक से एक प्रेजेंटेबल कपड़े पहन लो, शर्ट पहन लो, टी शर्ट पहन लो, कुछ भी पहन लो, थोड़ा सा चेहरा वेहरा धो करके आ जाओ सिंपली, एंड अपने सारी चीज़ें क्लियर रखो, स्क्रिप्टिंग से लेकर के सब कुछ सेटअप कंप्लीट करके रखो, सारी चीज़ों को कंप्लीट करके रखो। इससे क्या होगा ना, यूज़र थोड़ा देख पाए, बैकग्राउंड वगैरह थोड़ा सा सही रखो, तो एक अच्छी सी जगह पकड़ करके टपक जाओ उस जगह पे, तो थोड़ा प्रेजेंटेबल बनो, अपने आप को प्रेजेंट करना सीखो, लोगों के सामने अपने आप को किस तरीके से दिखाना है। और ऑनलाइन है, परसेप्शन इज़ द रियलिटी, ऑनलाइन वर्ल्ड की जैसा दिखाओगे वैसा दिख जाएगा। अभी पीछे लैम्बो खड़ी होती तो मैं तुम्हारी नज़रों में करोड़पति। सो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ ऑनलाइन वर्ल्ड, तो समझो अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाओ ऑनलाइन दुनिया के लिए, कि तुम लोग अपनी चीज़ों को समझा पाओ सामने वाले को कि तुम लोग कहना क्या चाहते हो। सेकंड पॉइंट है कि जब भी तुम लोग अपनी वीडियो बना रहे हो उसके अंदर ना अपनी ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी इनको ना एक बार चेक कर लो, जब जैसे ही पूरी वीडियो के थ्रू गो थ्रू करो ना उसको पहले चेक कर लो कि अपना माइक सेटअप है सारी चीज़ें। ऐसे में होता क्या है कई बार कि हम लोगों की कोई चीज़ ख़राब होती है और पूरी वीडियो की मेहनत हो जाती है ख़राब, कभी रिकॉर्ड बटन नहीं दबा होता, कभी माइक कैप्चर नहीं कर रहा होता साउंड, कभी माइक कनेक्टेड नहीं होता कैमरा के साथ। सो अभी तो मैं माइक यूज़ नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं आया हुआ हूँ मेरे मामा जी के यहाँ पे। सो इसी तरीके से रॉ वीडियो है, कैमरा ट्रैवल कैरी कर लिया था मैंने, सो कंटेंट शूट कर पा रहा हूँ रेगुलर बेसिस के ऊपर, सो दैट्स ऑल। तो अपनी ना एक बार सेटअप को तैयार कर लो, माइक साउंड चेक कर लो, वीडियो चेक कर लो, क्वालिटी सही आ रही है और तुम लोग जिसके ऊपर फोकस करना चाह रहे हो वो सही है, मैनुअल मोड के अंदर शूट कर रहे हो तो फोकस तुम लोगों का इधर उधर नहीं जाना चाहिए, सारी चीज़ें एक बार में चेक कर लो। थर्ड पॉइंट इज़ फॉलो द स्क्रिप्ट ऑफ द वीडियो। स्क्रिप्ट फॉलो करने में फ़ायदा ये होता है कि तुम किसी पॉइंट पे भूल गए, पीछे से बैकग्राउंड नॉइज़ आ गई, बहुत ज़्यादा किसी ने तुम्हें आवाज़ दे दी या कुछ और हुआ, तो तुम्हें पता होता है कहाँ से बोलना है। यदि नहीं पता होता तो एटलीस्ट ये पता होता है कि हाँ यहाँ तक कंप्लीट कर दिया है, अब इस पॉइंट से बोलना है, वो बाद में एडिटिंग रूम के अंदर जादू की तरह कट जाता है, समझे। सो समझो स्क्रिप्ट के साथ तुम्हें फ़ायदा होगा। स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है ये नहीं पता, बहुत कमाल की वीडियो बनाई है, ये वीडियो जा करके देखना, आई बटन के ऊपर है, जो मेरा पूरा सीक्रेट स्क्रिप्ट लिखने का, किस तरीके से मैं 5 मिनट के अंदर सारी की सारी स्क्रिप्ट लिख देता हूँ पूरी वीडियो की, शुरू करता हूँ शूट को, शूट करने के बाद एडिटिंग तो ऑफकोर्स टाइम लेती है, किस तरीके से एडिट कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो समझे ना एक परफेक्ट स्क्रिप्ट किस तरीके से लिखी जाती है। फोर्थ पॉइंट है बी कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, क्योंकि तुम कुछ भी प्रेजेंट कर रहे हो ना तो अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखो, तुम जो कॉन्टेंट बना रहे हो ना वो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब तुम अपनी तरफ से पूरा 100% डिलीवर कर रहे हो सामने वाले के लिए, किस तरीके से ये चीज़ करनी है ये मैंने तुम्हें 100% बता दिया कि ये सीक्रेट फॉर्मूला है, इस तरीके से जाना है, सारी चीज़ें मैं तुम्हें बता चुका हूँ। और इस वीडियो में मेरी कैमरा स्किल्स उतनी ज़्यादा मैक्स नहीं जा पा रही है, बट स्टिल तुम लोग समझ पा रहे हो क्योंकि मैं एक वीडियो फॉर्मूला को फॉलो कर रहा हूँ, एक स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहा हूँ और सारी चीज़ों को ध्यान में लेकर के वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो तुम्हें एक एक चीज़ क्लियर है यार, पहला पॉइंट ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था, तो समझे इस वीडियो को। अब लास्ट पॉइंट के ऊपर हम लोग आते हैं, तो लास्ट पॉइंट है कि पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम करना है। पोस्ट प्रोडक्शन में जादू हो सकता है एक क्लिप के साथ, तो तुम्हें वो इग्नोर नहीं करना है, अपनी वीडियो को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है, कूल बनाना है, एडिटिंग अच्छे से करनी है, कट्स अच्छे से मारने, कट्स के साथ साउंड की मिक्सिंग अच्छे से करनी है, साउंड इफेक्ट्स ऐड कर देने हैं थोड़े बहुत की, ऐसे इस तरीके से कुछ भी साउंड इफेक्ट यदि तुम लोग ऐड करना चाहते हो तो तुम लोग कर सकते हो।
सारी चीज़ें पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर सुधर सकती है। तुम्हारी ऑडियो को भी तुम एडिट कर सकते हो, जो तुम लोगों की यदि ऑडियो थोड़ी बहुत इधर उधर आई है, अभी ये बैकग्राउंड में इसको इग्नोर माना, मैं थोड़ा लाइक इस एरिया में हूँ तो पक्षी वगैरह सारे ज़्यादा है। दस ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, ऐसी वीडियोस नहीं सुधरती है, लाइक ऐसी ऑडियोज़ को तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर। तो शांत इलाका चुन करके रिकॉर्ड करना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो उस चीज़ का तुम लोगों को ध्यान रखना ही रखना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब यूट्यूब का रीति रिवाज फॉलो करते हैं, लाइक कर देना, कमेंट्स बताना कैसी लगी, शेयर करना मत भूलना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल का दबा देना ताकि मैं ऐसी कभी फ्यूचर वीडियोस अपलोड करूँ तो तुम लोग मिस ना करो, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। एंड सी यू गाइस वेरी सून। थैंक्स अ लॉट फॉर स्पेंडिंग योर टाइम हियर एंड लर्निंग समथिंग।